हुआ मेरे घर। तो आप कुछ बोल नहीं रहे मिया जी? आप यकीन नहीं, मैंने तो ऐसी कुंडली अपनी जिंदगी में पहली दफा देखी है। अत्यंत भाग्यशाली है यह कन्या। हुआ हुआ, ये ऐसी तीन संतानों को जन्म देगी जो आगे चलकर बड़ी रियासतों और जागीरदारियों में बटा हुआ राजनीतिक उथल पुथल सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से दो चार था। कुछ ऐसे ही परिदृश्य में सांबा के पास अंदरवा गांव के राजपूत घराने में एक तेजस्वी बालक का जन्म। चलो अपने पिताजी और बाबा जी का आशीर्वाद भी ले लो। जी कह रहे थे बड़ा तेजस्वी और सौभाग्यशाली होगा हमारा गुलाब। आगे क्या सोचा है इसके बारे में? माता रानी मेहर करेंगी। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जागीर के बाकी कामों में कितना व्यस्त रहता हूं, और फिर इसके भविष्य के बारे में आपसे बेहतर और कौन सोच सकता है भला। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सोचता हूं कि इसकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी मैं आपको सौंप दूं। मेरे लिए इससे खुशी और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है भला? मेरी जिंदगी का सारा तजुर्बा इसके नाम, इसकी ख्याति चारों दिशाओं में होगी। मैं तो मातर एक मादे हूं। कल से इसको शूरवीर योद्धा बनाने का काम शुरू समझो। भाई मजा आ गया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि गुलाब सिंह जोरावर सिंह की देखरेख में रहेगा। मुझे उम्मीद है कि गुलाब सिंह एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। कब से तेरे कर्तव्य देख रहा हूं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम है गुलाब सिंह, मगर छोटा हूं ना, इसलिए सब गुलाबों कहकर बुलाते हैं। कमाल की तलवारबाजी करते हो चाचा। अभी तो आपने गुलाबों की तलवारबाजी देखी है। घुड़सवारी नहीं, हवा में खोआ उड़ाता है। अच्छा, अरे तुम्हारी तलवारबाजी देख कर तुम्हें दंग रह गया हूं। भाई क्या इरादे हैं तुम्हारे? इरादे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी छोटा हूँ ना, इसलिए कोई यकीन ही नहीं करेगा। मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया पर हमला बोल दूं और सबको हराकर उन पर अपना राज जमाऊं।
और सुनाइए, सब खैरियत है ना? आपकी दया से सब खैरियत। गुलाबों के करतब देखकर लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो वादा मैंने अपने पिता सूर्यदेव के सामने अपने पुत्र किशोर के साथ किया था वो कुछ हद तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अद्भुत मानसिक शक्ति, सफुर्ति और युद्ध कौशल का मालिक है हमारा गुलाब सिंह। देखना, एक दिन पूरी दुनिया में चमकता हुआ सितारा बनेगा हमारा गुलाब सिंह। सब कुछ कितना बिखरा हुआ है, बटा हुआ है। एक जुट रहने में क्या बनाई है भला? हाँ भाई, ये छोटी बड़ी जागीरें और सब एक दूसरे के बैल, इसी बात का फायदा ये बाहर के हमलावर उठाते हैं। बस चले तो सबको मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बना दूंगा, मजबूत और ताकतवर डोगरा साम्राज्य, जिसकी सरहदों की तरफ किसी की आग खाने की हिम्मत ना हो। सैनिकों ने अचानक हमला बोल दिया है, हम लोग उनके वहां से बढ़ते ही जाएंगे। हमलावरों की गिनती भले ही कम थी, फिर उनका पलड़ा भारी दिख रहा था। डोगरा वीर पूरी बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके खालसा हमलावर डोगरा वीरों पर हावी होते जा रहे थे। तभी अचानक एक शूरवीर योद्धा का आगमन होता है। आशीर्वाद मेरे साथ है मां, कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा? वो सब ठीक है भाई जी, पर अकेला तो अकेला ही होता है। हम दोनों आपके साथ होंगे तो बात कुछ और ही होगी। आप लोगों को क्या लगता है, मैं किसी बातचीत में कमजोर पड़ जाऊंगा? बात कमजोर पड़ने की नहीं है भाई जी, दरबार का मामला है, क्योंकि हर चार में कोई राज होगा। हम तीनों साथ रहेंगे तो हर मुश्किल को संभाल लेंगे। मां, मैं मिलने ही तो जा रहा हूँ, बातचीत करके लौट आऊंगा। ध्यान ठीक कह रहे हैं गुलाब, तीनों साथ में रहोगे तो अच्छा ही रहेगा। माता रानी है ना, सबकी रक्षा करेगी। ओ भाई डॉक्टर, आप कौन हो, यहाँ कैसे? मैं गुलाब सिंह, जम्मू से आया, दरबार से बुलावा आया था। ओ तो आप है गुलाब सिंह, कोई बड़े चर्चे सुने हैं आपके, पर आपको तो
अकेले बुला भेजा था? हम तीनों भाई इकट्ठे ही निकलते। अच्छा भाई, ये कमाल है आप तीनों भाइयों का। चलो मैं आपको सरकार के पास ले चलता हूँ, आओ। सरकार, ये है जम्मू के गुलाब सिंह, वही गुलाब सिंह जो लाल सिंह। सरकार, सरकार तुम्हारी बहादुरी के चर्चे सुनकर हम तुम्हारे कायल हो गए हैं। बहादुरों की बहुत कदर करते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है जो मुझे ये सम्मान दिया। ये तो कुछ भी नहीं, तुम बड़े सम्मान के हकदार हो। मियां मोटा सिंह से पता चला कि तुम अंधेरो जागीर से। जी, किशोर सिंह हमारे पिताजी। गुलाब सिंह, तुम चाहो तो एक बड़ी जागीर तुम्हारी हो सकती है। तुम्हारी बहादुरी और युद्ध कला के बारे में सुन चुका हूं, तुम अपार क्षमता रखने वाले शूरवीर हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारी सेना में शामिल होकर उसकी शोभा बढ़ाओ। उसके लिए तुम्हारी जो भी शर्तें हों हमें मंजूर। आपने मुझे इस काबिल समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं अभी अपनी जन्मभूमि की सेवा करना चाहता हूं। एक छत्र डोगरा साम्राज्य का सपना साकार करना चाहता हूं। हमारे साथ रहकर तुम्हारा हर सपना साकार, ये विश्वास है। लेकिन मेरा विश्वास कुछ और कहता, जो आप कह रहे हैं वो मेरे लिए अभी संभव नहीं। अगर हम गुजारिश करें तो भी नहीं। अगर आप लोग चाहो तो तीनों भाई हमारे साथ काम कर सकते हो। कोई जल्दी नहीं है, इस बारे में तुम सोच विचार कर सकते हो। हां, तुम्हारी हां का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रखता है। वही तो मैं भी कह रहा हूं, कहां अकेले हो। लोगों पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं। पिताजी, उन्हें मेरी जरूरत, मुझे उनकी नहीं। तो गैरों को अपना बनाना आता है मुझे। वो सब तो ठीक, लेकिन तुम्हारा ये फैसला इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे। आसान तो कुछ भी नहीं होता, मुश्किलों से टकरा कर ही रास्ते आसान होते हैं। मगर अपनी जन्मभूमि का त्याग करके गैरों के लिए काम करना कहां की अकलमंदी। हो सकता है ऐसा करके मैं अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। यहां रहकर भी तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते। और यह भी हो सकता है कि विशाल डोगरा साम्राज्य के निर्माण की तरफ यह मेरा पहला कदम है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है? हां, इसकी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। हमारा गुलाब बहादुर है, समझदार है। इसने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर ही लिया होगा। हमें इसके फैसले की कद्र करनी चाहिए। हम सबको तुम पर पूरा विश्वास है। और मेरे बच्चे, ये बात भी याद रखना कि वीर ही धरती की सेवा करने में समर्थ होते हैं। हम सबकी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहें। माता रानी तुम्हारे सारे सपने साकार करे। जा मेरे बच्चे, वीर हो गया वसुंधरा। रंजीत सिंह की सेना में शामिल होना गुलाब सिंह के लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित हुआ। सन 1813 के काबुल आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान के बाद सन 1815 में जालंधर के गढ़ दमार किले पर
विजय पताका लहराने के एवज में रंजीत सिंह ने लाल चौबार और रामगढ़ की जागीरें गुलाब सिंह को भेंट दी। ऐसा समय भी आया जब गुलाब सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह का दिल पूरी तरह जीत लिया। मुल्तान की घेराबंदी के दौरान गुलाब सिंह की अभूतपूर्व वीरता को देखकर रंजीत सिंह तंग रह गए। शब्द पास पहले बहादुरों, पीठ मत दिखाना, पीछे मत हटना, जीत हमारी ही होगी। अरे कोई मेरे उस बहादुर जांबाज कमांडर के शव को लेकर आओ, उसके शव का इस तरह अपमान हमें मंजूर नहीं। क्या हमारे पास कोई ऐसा सूरमा नहीं है जो उस शव को ला सके? अगर तुम में से कोई नहीं जाएगा तो मैं खुद ला सकता। मेरे रहते आप क्यों लौट गए? शाबाश शाबाश गुलाब सिंह, शाबाश। हमें तुम्हारी दिलेरी और दयादिली पर पूरा यकीन है। आपकी दयादिली है सरकार। शाबाश गुलाब सिंह, शाबाश। आज तुमने वो कारनामा किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि ये काम संभव नहीं था, लेकिन तुमने आज ये कारनामा करके हमारा दिल जीत दिया है। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से हमारी सेना की अगुवाई तुम करोगे। हमारे हर युद्ध की रचना का काम तुम्हारा। गुलाब सिंह के कमांडर बनने पर सब में एक उत्साह की लहर छा गई और उसके अधीन सभी सैनिकों ने जमकर खुशी मनाई। गुलाब सिंह, ज्ञान सिंह और सुचेत सिंह पूरे लाहौर दरबार में छा गए हैं। अरे भाई बिल्कुल, एक तरफ गुलाब सिंह युद्ध में कारनामा दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ज्ञान सिंह राजपाट में हर भूमिका निभा रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, महाराजा रणजीत सिंह खीरूमाला का युद्ध हार चुके थे, लेकिन तभी गुलाब सिंह अपने 50 लूटों के साथ वहां आ पहुंचा और दुश्मनों को गोली की तरह चीरते हुए किला खीरूमाला के प्राचीर पर झंडा लहराता दिखा। बस ये सब देखते ही महाराजा रणजीत सिंह उनके कायल हो गए। वाह भाई वाह, मजा आ गया। गुलाब सिंह ने तो डुग्गर धरती का नाम ही चमका दिया। सन 1820 में उनका राजौरी हमला एक इतिहास बन गया। हुक्म हुआ था कि राजौरी के शासक अकबर खान को कैद करके लाहौर दरबार पहुंचाना है। इस कोशिश में गुलाब सिंह की सेना का काफी नुकसान हुआ। इसी बीच गुलाब सिंह अन्ना मंडी के पास एक फकीर से मिलता है। उसे परेशान देखकर फकीर हंसता है। रुको, बाबा मैं परेशान, आप हंस रहे,
मैं तेरे चेहरे का तेज देखकर खुश हो रहा, तेरे माथे की लकीरें देखकर खुशी हो रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप बस मुझे बताओ कि अगर खान कहाँ मिलेगा? अगर खान को तेरे हाथों में आना ही है, मगर उससे पहले वहां जा और खड़े होकर देख, देख के तेरी नजर कहां तक जाती है। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना, जा जा वहां जाकर खड़े होकर देख, देख के तेरी नजर कहां तक जाती है। जा बच्चा जा। बाबा गुलाम शाह के कहने पर गुलाम सिंह पहाड़ी की चोटी पर जाकर अपनी नजर दौड़ाता है और बाबा को बताता है कि उसे तिब्बत, किश्तवाड़, चंबा और पेशावर नजर आए। जहां तक तेरी नजर जा रही है, एक दिन इन सीमाओं तक तेरा शासन होगा। जा बच्चा जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मानना है कि जब बाबा का कथन सत्य हुआ था, तब गुलाब सिंह उनसे मिलने धंधा मंडी आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस दुनिया में नहीं थे और गुलाब सिंह ने उनके स्थान पर एक भव्य जियारत का निर्माण करवाया। इधर गुलाब सिंह ने लाहौर दरबार के सेनापति के रूप में एक के बाद एक सफलताओं का सिलसिला जारी रखा और उनकी उपलब्धियों से खुश होकर 16 जून 1822 को अखनूर स्थित जियो गोदा के स्थान पर उन्हें जम्मू के राजा के रूप में उनका राज्य अभिषेक किया। महाराज, नियम तो यह है कि तिलक नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है, लेकिन आपने ऊपर से नीचे। ये हमने इसलिए किया है कि हमारी दुआ और आशीर्वाद है कि गुलाब सिंह का खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी इस खित्ते में शासन करे और लोगों को सुखी रखे। लाहौर दरबार कूच करने से पहले हमने ये सोचा कि ये जान लें, तुम जम्मू का राजा बनके खुश तो हो ना? बहुत खुश हूं महाराज, लेकिन ये खुशी कई गुना और बढ़ती अगर आपका आशीर्वाद मेरे भाइयों को भी मिलता। आप तो जानते हैं महाराज, मेरे दोनों भाई मेरे लिए सब कुछ है। हम तीनों एक साथ आपके दरबार में हाजिर हुए थे, तब से लेकर आज तक पूरी निष्ठा के साथ हमने आपके कर्मों को बुलंद किया है। अपनी तरक्की के साथ साथ मैं इनकी तरक्की की भी मंशा रखता हूं। बोला कि तुम्हारे कारनामों के कायल तो हम हैं, मगर आज तुम्हारे विचार जानकर हमारी नजर में तुम्हारा रुतबा और भी बड़ा हो गया। तो रही बात तुम्हारे इन दोनों भाइयों की, ये तो हमारे दरबार के हीरे हैं, ध्यान सिंह की राजकार्यों पर मजबूत पकड़ है, इसलिए इसे हम लाहौर दरबार का प्रधानमंत्री बनाए थे। और रही बात सुचेत सिंह की, ये तो हमारी आंखों का तारा है, इसे हम रामनगर का राजा बनाए। अब तो खुश हो लाल सिंह जी? महाराज, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी खुशी का दिन मेरी जिंदगी में कभी भी आएगा। अपने राजा बनने से ज्यादा मैं अपने भाइयों की तरक्की से खुश हूं। आप देखना, हम तीनों भाई मिलकर लाहौर दरबार का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे। तुम तीनों तो हमारी भुजाओं का बल। मेरा एक सुझाव है, अगर आप इजाजत दें तो हम भाई गुलाब सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा समय इसी खित्ते को संभाल लेने दें, और यह भी अनुमति दें तो हम भाई गुलाब सिंह जी को राज्य की सीमाएं और भी अधिक बढ़ाने की रणनीति बनाने को कहें। जो तो गुलाब सिंह को तीन संतानों का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन तीसरी संतान के जन्म के बाद परिवार में एक हल्के तनाव की स्थिति
की आई। कुछ भी हो, मैं अपना जिगर का टुकड़ा किसी को नहीं दे सकती। हम अपने बच्चे को किसी गैर को नहीं दे रहे हैं। सुचेत सिंह भाई है हमारा, निसंतान है बेचारा। रही बात उसकी परवरिश, तो रामनगर के महलों में राज की परवरिश होगी उसकी। भगवान ने हमें 3 औलाद दी, पर रणवीर को गोद देने से रामनगर वास को भी एक वारिस मिल जाएगा। गुलाब ठीक कह रहा है बहुरानी, आपके इस फैसले से रामनगर के महल खिल उठेंगे। फिर हमारी छोटी बहुरानी अपनी सारी खुशी लुटा देगी रणवीर पर। सिर्फ आपकी हाँ का इंतजार हो रहा है बाबू जी, मैं अपना सारा जीवन रणवीर के नाम कर दूंगी, लेकिन मैं रणवीर को किसी को नहीं दे सकती। क्यों? माँ जी के मायके से पंडित जी आए थे, कुंडली देखकर कह रहे थे चक्रवर्ती राजा बनेगा हमारा रणवीर। माँ जी ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने आपके पैदा होने पे कहा था कि आपके 3 बच्चे होंगे और ऐसे बच्चे जो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हाँ चक्रवर्ती राजा बनेंगे, पर बनेगा तो हमारा रणवीर। आपके युद्ध कौशल के चर्चे तो हम सुन चुके थे, लेकिन जिस प्रकार से आपने रियासी किले की जिम्मेदारी संभाली है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आपके निजाम संभालते ही बहुत बचत कर रहे हैं, आपने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका। रही बचत की बात, दयानतदारी से अगर जिम्मेदारियां निभाई जाए तो काया पलट हो सकती है। आपके विचार सुनकर अच्छा लगा। पुश्तैनी घर कहाँ है आप? हमीरपुर इलाके के कलगुर गांव। हमीरपुर, तो फिर इधर कैसे आना? सब ठीक चल रहा था, बीच में एक विवाद के चलते मुझसे मेरे करीबी रिश्तेदार की हत्या हो गई। चक्रोर झंडा हुआ, बहुत पछताया। शांति के लिए हरिद्वार चला गया, वहां पर जम्मू के जागीरदार से मुलाकात हुई, वो मुझे जम्मू ले आया। उसके बाद रियासी किले की नौकरी संभाली, वहां की बद इंतजामी देखकर ठीक नहीं लगा, उसकी खबर आप तक पहुंचाना उचित समझा। बड़े भरोसेमंद इंसान लगता है, अपना तो सब साफ है, सच्ची निष्ठा और अपार वफादारी। आपका हमारे साथ जुड़ना एक बहुत ही शुभ संकेत, एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। छोटी बड़ी सब रियासतों और जागीरों को इकट्ठा कर सबकी खुशहाली और तरक्की को ध्यान में रखते हुए बहुत ऊंचे विचार हैं आपके। हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी है, अलग थलग बिखरे रहने से अपना ही नुकसान होता है और शत्रु को भी मनचाहा मौका मिलता है। सही कहा, आप देखने में हिम्मती और सूझबूझ वाले इंसान लगते हैं, हमारे अरमान पूरा करने में क्या सहयोग दे सकते हैं। आप हुक्म तो कीजिएगा, मौका नहीं पर कमजोर तो नहीं पड़ेंगे। आप अजमा के देख लीजिएगा, आपको निराश नहीं होना। हमें पूरा भरोसा है। जोरावर सिंह को साथ जोड़ना गुलाब सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुई। पहले तो जोरावर सिंह को रियासी किले का प्रभारी बनाया गया, बाद में किश्तवाड़ का गवर्नर, और फिर सिलसिला शुरू हुआ रियासत की सीमाएं बढ़ाने का। इतिहास गवाह है कि जोरावर सिंह गुलाब सिंह की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। सन 1820 से 1822 के समय के बीच गुलाब सिंह ने कई छोटी बड़ी रियासतों को डोगरा साम्राज्य का हिस्सा बनाया, लेकिन किश्तवाड़ की रियासत को साथ जोड़ने का किस्सा काफी दिलचस्प है, जिसमें गुलाब सिंह ने बल से अधिक बुद्धि का काम लिया।
चित्तौड़ के राजा तेज सिंह को हराना इतना आसान नहीं होगा। उसकी असली ताकत का पता लगा, उसे कमजोर किया जा सके। सरकार, राजा तेज सिंह की असली ताकत उसका वजीर लखपत है, वही उसकी रणनीति बनाता है। वो हाथ में आ जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो ये बात है, वजीर लखपत, देखते हैं वो हमारे हाथ में आता है या उसके हाथ से जाता है। कोई खेल तो रचना हो। एक काम करो, हमारी ओर से वजीर लखपत को एक संदेश लिखो, उसमें लिखिए आपकी दरख्वास्त हमें मिली, ये जानकर के आपकी हमारे प्रति श्रद्धा हमें और भी अच्छा लगा। अपनी सुझाई नीति पर चलते रहिए, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएंगी। राजा गुलाब सिंह। जी महाराज। और ध्यान रहे, ये जो संदेश वजीर लखपत के नाम भेजा जा रहा है वो सीधा राजा तेज सिंह के हाथों लगना चाहिए। वजीर लखपत के हटते ही गुलाब सिंह ने बिना किसी जोखिम के किश्तवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन गुलाब सिंह वजीर लखपत की खूबियों से भली भांति परिचित था, अतः उसे अपने साथ जोड़ लिया और अपना भरोसेमंद वजीर बना लिया। उल्लेखनीय है कि गुलाब सिंह ने एक के बाद एक जंग जीती और अधिकांश समय जंग के मैदान में ही बिताया, मगर इन सफलताओं के पीछे परिवार की प्रार्थनाएं और कुर्बानियां भी थी। हमारी पूजा प्रार्थना रंग ला रही है माझी। बसोली, चनैनी, भदरवार, किश्तवाड़ की रियासतें भी इन्होंने जीत ली है। अब लद्दाख और तिब्बत की ओर चढ़ाई पर गए हैं। रघुनाथ जी की कृपा रही तो ये इलाके भी हमारी रियासत का हिस्सा होंगे। इतना ही नहीं, गिलगित और पेशावर भी हमारी रियासत में मिल जाएंगे। माँ वैष्णो मेहर करे, जीत हमारे गुलाब सिंह की ही होगी। माँ जी, आज से मैं मंगल का व्रत रखूंगी, पंडितों और गरीबों में भोजन कराऊंगी। माता रानी हमारी और हमारी सेनानियों की रक्षा करे। आप जरा भी चिंता मत करना, आपकी पूजा साधना जरूर रंग लाएगी। इतिहास चाहे हमारी इन कोशिशों का कहीं जिक्र करे न करे, मगर इन योद्धाओं की जीत के पीछे हम महिलाएं भी हैं। इधर हमारी बहू सारा दिन पूजा साधना में लगी रहती है, और उधर मेरा बेटा 6-6 महीने तक युद्ध से घर नहीं लौटता। बेचारे बड़ा अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत याद आते हैं क्या गुलाब की? आ 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
की तरफ देना शुरू कर दिया, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के निधन के बाद लाहौर दरबार में अंदरूनी गुटबाजी काफी बढ़ गई। डोगरा भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र होने लगे। अक्सर तनाव इतना बढ़ जाता कि मान चांद कौर को गुलाब सिंह से सहयोग मांगना पड़ता। बस बहुत हो गया, जितना है उसी में संतोष करो। आप थोड़ा ध्यान घर भक्ति की तरफ, देर बाद देख रही हूँ तुम दोनों को एक साथ। माँ जी, मैंने भी यही बात कई बार कही है इनसे, मगर ये मानते ही नहीं। अपने देश के सपनों को साकार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। तुम्हारी बात कह दी है बबुरानी, ये जिम्मेदारी ही अच्छे से निभा लो तो बहुत है। बाकी जो तुमने सोचा है ईश्वर कृपा से वो भी हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। फिर अंग्रेज भी ताकतवर हो रहे हैं, उनसे अच्छे रिश्ते बनाए रखना भी जरूरी है। लाहौर दरबार से माई चांद कौर ने बुलावा भेजा है खालसा फौज और अंग्रेजों में बढ़ते तनाव को रोकने के लिए। वहां जाना भी बहुत जरूरी है। सरकार उम्र होगी आपकी सेवा करते करते, सोचा था आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमें भी मौका मिलेगा लाहौर दरबार की सेना की कमान संभालने का। बहुत तापे चला रहा पर कुछ हासिल नहीं हो रहा। इन डोगरों के रहते कुछ नहीं होने वाला। महाराजा रंजीत सिंह जी की मौत के बाद इस ध्यान सिंह की पकड़ और भी मजबूत हो गई है। तुम ठीक कहते हो तेज सिंह, 15 साल से प्रधानमंत्री बनकर सांप की तरफ बैठे हमारे सरपंच ध्यान से अपने भतीजों भाइयों बेटों की संगत पा रहा है। बड़ी सरकार को भी इन डोगरों में काबिलियत नजर आती। शूरवीर सिर्फ जम्मू ही पैदा हुए, लाहौर और पूरे पंजाब में जैसे सब पक्का थे। दरबार में छोटी छोटी चाकरियां करते थे ये तीनों भाई कभी, तो आज सारी सरकार संभालने लगे हैं। अब नहीं चलने दूंगा इनकी, तुम देखते जाओ। ऐसी चालें चलाऊंगा या तो यही मिट जाएंगे या भाग जाएंगे चूहों की तरह। अंग्रेज सेना कूच करने वाली, हमारी खालसा फौज की तैयारी कैसी चल रही? तैयारी बिल्कुल ठीक है, कूच के फरमान का इंतजार है। हम बेकार में अंग्रेजों के भले के लिए अपने लोगों का खून क्यों? मैं समझा नहीं। हमें नीति से काम लेना पड़ेगा। हम अंग्रेज सेना को खैबर की तरफ कूच करने से नहीं रोकेंगे और ना ही ये जाहिर करेंगे कि हम उनकी मदद नहीं करेंगे। अगर अफगानियों ने उन्हें हरा दिया तो पेशावर में अंग्रेजों का छोड़ा माल असबाब आपका है, और अगर अंग्रेजों ने अफगानियों को हरा दिया तो अंग्रेज सेना को जाहिर कर दिया जाएगा कि खालसा फौज की वजह से उन्हें जीत हासिल थी। बहुत दूर की सोच है आपकी, आपकी इसी रणनीति पर अमल होगा।
महाराज की जय हो। आपकी सुझाई नीति कमाल कर रही है, यह आपकी नजर है अंग्रेज सेनापति की तरफ से। हमें यह सूचना मिली है कि आपके द्वारा की गई मदद हमारे लिए बहुत खादर साबित हुई है। आपसी रिश्ते मजबूत करने की दिशा में और उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। हमें उम्मीद है कि समय के साथ साथ हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। अरे 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 क्या राजा ध्यान सिंह का कत्ल हो गया है? क्या तो बहुत बुरी खबर है। कितने अपनों की जान गंवाएंगे हम? और कितने शिकार होंगे लाहौर दरबार की साजिशों के? आपकी वफादारी की इतनी बड़ी कीमत, तो सगे भाई जान का टुकड़ा, हमारा बेटा, सबकी तिलांजलि दे दी हमने लाहौर दरबार को बचाते बचाते, और कितनी कुर्बानियां देनी होगी हमें। सोचा है आपने कितने गमों का बोझ है मुझ पर, और कहीं आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बहुत हिम्मत दिखाई है आपने, आपकी हिम्मत ही तो मेरी ताकत है। बड़े सपने बड़ी कुर्बानियां मांगते हैं, हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास भी कि ना आप खुद टूटेंगे ना मुझे टूटने देंगे। इस समय हम एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। पत्थर दिल नहीं हुए पर ऐसे में अगर न टूट गया तो कुछ नहीं बचेगा। किए गए आपके एहसान कभी भुलाए नहीं जा सकते। लाहौर दरबार में कुछ शैतान नमक हराम आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। लेकिन आप क्या खामोश क्यों हैं? मैं मानता हूं कि मेरा ध्यान अब जम्मू की तरफ ज्यादा है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मेरी वफादारी और नमकदारी को भुला दिया जाए। हम सब समझते हैं आपके एहसान कैसे भुला सकते हैं। हाँ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे,
हम आपके साथ। लाहौर दरबार जब तक आपको मुक्त करने का आदेश नहीं देता, हम चैन से नहीं रहेंगे। बंदी गुलाब सिंह की बातों से प्रभावित होकर खालसा सेना के एक वर्ग विशेष ने लाहौर दरबार में विरोध प्रदर्शन किया। सेना में बढ़ते विरोध के स्वर को देखते हुए रानी जिंदा ने गुलाब सिंह को सम्मान सहित मुक्त करने का आदेश दे दिया। राजा गुलाब सिंह को आजाद करो। उधर दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत कई इलाकों पर अपना दबदबा कायम कर चुकी थी। लाहौर दरबार का सिंहासन डगमगा रहा था। अंग्रेज सरकार ने दोआबा पर कब्जा कर लिया और बेवजह युद्ध गतिविधियों में शामिल होने के कारण लाहौर दरबार पर अंग्रेजों ने 2 करोड़ का दावा कर लिया। मौके के नजाकत को समझते हुए लाहौर दरबार द्वारा गुलाब सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया ताकि वो अंग्रेजों से हर्जाने की रकम कम करवा सके। अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंधों के चलते गुलाब सिंह ने हर्जाने की रकम 2 करोड़ से 1.5 करोड़ करवा दी। इस पर भी लाल सिंह ने एक और सियासी चाल चला दी। और मेरी सुनता ही कौन है, ये गुलाब सिंह कोई नई चाल खेल गया है। तो 1.5 करोड़ की रकम लाहौर दरबार को गिरवी रखकर भी नहीं चुकाई जा सकती। हाँ, 1.5 करोड़ अंग्रेजों को देना ही होगा, जैसे भी हो। मुझे बनाए प्रधानमंत्री, ऐसा दाव खेलूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत। वो कैसे? भाई जैसे तैसे 50 लाख का इंतजाम तो हम कर लें और बाकी के 1 करोड़ के बदले कश्मीर का पूरा इलाका अंग्रेजों को दे देंगे। अंग्रेज भी खुश और गुलाब सिंह भी हमेशा के लिए चुप। तुम्हारा सुझाव उन्हें पसंद आया, ऐसा ही होगा लाल सिंह। 50 लाख का इंतजाम करो और बाकी के 1 करोड़ उसके बदले हम जम्मू कश्मीर का इलाका अंग्रेजों को सौंप देंगे। हम जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों का गुलाम नहीं होने देंगे। लेकिन 1 करोड़ की रकम का इंतजाम कैसे होगा? होगा और जरूर होगा। अंग्रेजों की शर्त है कि 1 करोड़ की रकम 3 किस्तों में दी जाए। 50 लाख, 25 लाख और 25 लाख। जी बिल्कुल महाराज। 50 लाख की पहली किस्त हम सारी जमा पूंजी से अदा करेंगे। दूसरी 25 लाख की किस्त के बदले में अंग्रेजों को रावी पार का इलाका और चंबा का इलाका देंगे। बकाया 25 लाख हमारे भाई सुजय सिंह के 15 लाख पहले से अंग्रेजों के पास हमारे मुल्क तौर पर पड़े, बाकी बचे 10 लाख। माँ की कृपा रही तो वो 10 लाख का भी इंतजाम हो ही जाए। अद्भुत सूझबूझ और काबिलियत से महाराजा गुलाब सिंह ने सुबह जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों की गुलामी से बचाया। 16 मार्च सन 1846 को अंग्रेजों के साथ हुई अमृतसर संधि के अनुसार कश्मीर और फ्रंटियर सूबों का मोल चुकाकर जम्मू कश्मीर राज्य का अधिकार प्राप्त किया। सरकार आपने निशाना तो लगाया था, 1 तीर 2 शिकार, लेकिन वो तो राजाओं का भी राजा बन गया, ले गया जम्मू कश्मीर। सर जम्मू कश्मीर की तरफ तो मैं उसे आंख भी नहीं उठाने दूंगा। जब तक हमारा गवर्नर शेख इमामुद्दीन वहां बैठा है, मैं उसे कश्मीर पर काबिज नहीं होने दूंगा। सुनो, हमारी तरफ से इमामुद्दीन को एक संदेश भेजो और उसे सख्त हिदायत भेजो कि चाहे जो भी नुकसान उठाना पड़े, कितनी भी जानें कुर्बान करनी पड़े, कश्मीर गुलाब सिंह के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जो तुम सरकार। सरकार, जम्मू रियासत के वजीर लखपत आ रहे हैं, आपके नाम महाराजा गुलाब सिंह का फरमान ला रहे हैं। महाराजा गुलाब सिंह का फरमान। क्या फरमान लाए हो, खुद ही पढ़कर सुना दो।
आपको मालूम चल गया होगा कि अमृतसर मुआहदे के तहत सारी जम्मू कश्मीर की रियासत अब महाराजा गुलाब सिंह के राज्य में आ गई। इसलिए आपके नाम फरमान है कि आप कश्मीर का राजपाट हमारे हवाले कर। मैं किसी फरमान को नहीं मानता। मुझे हमारे प्रधानमंत्री लाल सिंह जी का हुक्म है कि कश्मीर पर गुलाब सिंह काबिज नहीं होना चाहिए। फरमान तो आपको मानना ही होगा, नहीं माना तो बहुत नुकसान उठाओगे। उसका मतलब है कि तुम हम पर हमला करने के इरादे से आए हो। सीधी तरह राजपाट नहीं दोगे तो हमला करने में हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ले जाओ इसे, और ध्यान रहे जो भी हम पर हमला करने आए हैं एक भी जूता जम्मू नहीं लौटना चाहिए। महाराज, महाराज एक बुरी खबर है। शेख महमूदीन ने कश्मीर का राजपाट सौंपने से इनकार कर दिया है। और एक और बुरी खबर है कि उसने हमारे वजीर लखपत जो उन्हें संदेश देने गए थे उनका कत्ल कर दिया है। महाराज, शेख महमूदीन कितने हिम्मत करो, कश्मीर को शेख महमूदीन की चुंगल से हम चुराएंगे। 9 नवंबर सन 1846 को जब महाराजा गुलाब सिंह की सेना शेरगढ़ी पहुंची तो शेख इमामुद्दीन को भागने का रास्ता भी नहीं मिला। महाराजा गुलाब सिंह के राज्य संभालते ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। महान नीतिवान चाणक्य के बाद गुलाब सिंह पहले ऐसे प्रशासक हुए जिन्होंने अनाज की पैदावार सरकार के अधीन कर ली, पूरी न्याय प्रणाली बदली और जगह जगह जनसभाएं करके महत्वपूर्ण फैसले लिए। आपकी जो भी समस्या है बेझिझक बयां कर सकते हैं। सरकार, जब से आपने हुकूमत संभाली है बड़ी डकैतियों, लूटपाट और माल मवेशियों की चोरी चकारी की घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी चोरों की आदतें नहीं गई, छुटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं। आप निश्चित रहें हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं अब कभी नहीं होगी। हम ऐसा निजाम स्थापित करेंगे जैसे चोरी करना तो दूर कोई चोरी के बारे में सोचेगा भी नहीं। हमारे राज्य का सुख, उसकी खुशहाली, उसकी तरक्की ही हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। याद रहे बद इंतजामी और नाइंसाफी की कोई भी घटना हमारे राज्य में कभी नहीं होगी। शेख इमामुद्दीन के समय में अराजकता और लूट खसूट के चलते कश्मीर के सभी बुनकर और बाकी कारीगर कश्मीर छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह ने उन्हें वापस कश्मीर में बसाया। अरे खुशामदीन, खुशामदीन, अरे ये उधर वाले की मेहर हम पर कम हुई जो आप लोग वापस कश्मीर ले आए। ऊपर वाले की मेहर तो है ही, मगर एक इंसान का कर्म है हम पर। भला किसका? हमारे महाराजा गुलाब सिंह का। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हम जैसे 4,000 से भी ज्यादा बुनकर और बाकी कारीगर जो शेख इमामुद्दीन की जातियों से तंग आकर कश्मीर छोड़कर बाकी मौलिक में चले गए थे वो लोग वापिस आ गए हैं। महाराजा ने हमें सारी सहूलतें मुहैया करवाने का वादा किया है। अब कश्मीर में बेगार नहीं होगी और हम सबको तरक्की करने का मौका मिलेगा। अरे भाई तुम कह रहे हो अच्छी खबर है। हाँ हाँ बहुत अच्छी खबर है। इतिहास गवाह है कि उस समय महाराजा गुलाब सिंह कश्मीरी दस्तकारों और बनकरों को वापस कश्मीर नहीं लाते तो आज इन ग्राम की विश्वख्याति कोई और देश ले रहा होता। राज्य में तरक्की की रफ्तार अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी रियाया और सरकार निर्माण कार्यों में जुट गई थी। किलों की मरम्मत, मंदिरों मस्जिदों का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। हर और हर्षोल्लास, लोग ग्राम को प्रोत्साहन के साथ साथ संरक्षण भी होने लगा। चारों ओर खुशहाली नजर आने लगी। विशाल डोगरा साम्राज्य का सपना साकार हो चुका था और जनसाधारण की खुशहाली के लिए प्रयास जारी थे, पर उनका अपना स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था।
फिर कुछ आशंकाओं के चलते उन्होंने डोगरा राज की बागडोर युवा रणवीर सिंह को सौंपने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। पिताजी, आपने बुलाया। आप सोच रहे होंगे कि आपको हमने यहां किस लिए बुलाया। जी पिताजी, आपको अपने एक सपने के बारे में बताने के लिए। सपना? मैं कुछ समझा नहीं। हमने बचपन से लेकर आज तक बस एक ही सपना देखा है। सभी बिखरी हुई छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा करके एक छत्र डोगरा साम्राज्य स्थापित करने का सपना, जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैले। ऐसा नहीं है कि हमारा देश का सपना साकार नहीं होगा, और उस सपने को साकार करने के लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी। हमारे दोनों भाई, हमारा बेटा और कितने अजीज, पर हमारे सपने ने कभी हमें चैन से सोने नहीं दिया, कभी हमें रुकने नहीं दिया, कभी हमें थकने नहीं दिया। राज जरा, पिताजी आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपका सपना पूरा हो तो रहा है, आप अपनी सेहत पे ध्यान दें। चलिए आप आराम कीजिए। हमारा पूरा जीवन डोगरा साम्राज्य की सड़कों के विकास और फैलाव में गुजर गया। अब आगे से और खुशहाल बनाने का जिम्मा। लेकिन पिताजी, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको न्याय और फलने फूलने का मौका मिले। हमें आपको यकीन नहीं, पूरा विश्वास भी है। हमारा मानना है कि अपनी जमीन की निष्ठा, कूटनीति और सूझबूझ का नतीजा है कि आज भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर एक विशाल राज्य के रूप में शामिल और सुशोभित है। गुलाब सिंह अगर यूनान में पैदा हुए होते तो सिकंदर जैसी ख्याति प्राप्त करते।